असलम चिकन कॉर्नर पे जामा मस्जिद के सामने आए हैं और देख सकते हैं किस तरह से चिकन को सेका जा रहा है। ये हमारे उस्ताद जी यहाँ पे चिकन को सीखों में लगाते हुए और किस तरीके से चिकन को सेक के तैयार करा जाएगा खाने के लिए, आप देख सकते हैं हमारे भाई सेक रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल समद। भाई देख रहे हैं किस तरीके से चिकन को सेका जा रहा है। तो अब्दुल समद भाई, ये चिकन का जो ये राज है, ये किस तरीके से तैयार करते हैं, इसको आप बनाते हैं? तो भाई ऊपर वाले के देने में हाथ में जाएगा, जरा कर लगा दो हाथ में जाएगा। अच्छा ये देखिए, इसमें यहाँ पे ये चिकन जो यहाँ पे कट करके यहाँ पे जो बनाते हैं, और ये इनसे मैं बात कराता हूँ आपको, ये देखते हैं किस तरह से। अच्छा भाई आपका क्या नाम होगा? आपका भाई राशिद। राशिद असलम चिकन से है। तो राशिद भाई बताना चाहेंगे कितने साल पुराना ये रेस्टोरेंट है? 22 साल हो गए। अच्छा ये जो आप चिकन तैयार करते हैं, इनका क्या राज है, मतलब इसका स्वाद का क्या राज है? जो यहाँ पे पब्लिक खिंची चली जाती है, पूरी दिल्ली छह की जो रौनक बनी हुई है आपकी असलम चिकन कॉर्नर, इसका क्या राज है? इसमें असलम भाई के मसाले हैं जो सीक्रेट है, किसी को बताते नहीं, मसाले सब एक नंबर के हैं। और अमूल और क्रीम में और दही चटनी में इसको हम तैयार करते हैं। अमूल मक्खन में दही चटनी में इसको तैयार करते हैं। जी जी। मसालों का राज आप किसी को नहीं बताते? उनके असलम भाई का सीक्रेट है वो। अच्छा सीक्रेट है। अगर इस मसाले का राज अगर किसी को जानना हो तो यहाँ पे आने के बाद, खाने के बाद ही उसको पता लग पाएगा कि क्या मसाले हैं, ठीक है ना। लेकिन वो मसालों का स्वाद तो पूरा ले सकेगा लेकिन राज नहीं जान पाएगा। राहुल गांधी को भी असलम भाई का चिकन टिक्का खींच रहा है। अच्छा राहुल गांधी जी भी यहाँ पे आके खा के गए? अच्छा कपिल सिब्बल, मतलब बड़ी बड़ी हस्तियाँ। अच्छा बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आई हैं जो इसका असलम चिकन कॉर्नर का जायका। तो ये देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई आए थे, और ये देखिए ये उनकी ये फोटो दिखा रहे हैं हमें, राशिद भाई की फोटो दिखा रही हैं इनके नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई यहाँ पे आके इस चिकन कॉर्नर का मसाला चख चुके हैं। और ये यहाँ पे ये देखिए किस तरह के भाई यहाँ पे सीखों में लगा रहे हैं। भाई आपका क्या नाम होगा? मोहम्मद फरमान। भाई देखिए किस तरह से सीखों में इसको चिकन को तैयार कर रहे हैं, और मतलब बहुत ही यूनिक टेस्ट है। तो एक बार दोस्तों जरूर आइएगा। स्टार्ट कर रहे हैं लेडीज शाही खीर है, कैसा टेस्ट है भाई बताओ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया खीर है, बहुत हरियाणी खीर है, और उसको खा के जरूर खंडाल तीसरी खीर है। आपसे 25 बार आ चुका हूँ, काफी अच्छा है, जितना खाओ उतना कम है, काफी बढ़िया शाही खीर आना लगा। आप शाही खीर को चख के बताते हैं किस तरीके का बना है। और ये देख सकते हैं काफी भुना हुआ चिकन है, और इसके अंदर आपका ये इसके अंदर है अफगानी चिकन, तंदूरी अफगानी चिकन रोस्टेड बना हुआ है, इसमें दही चटनी और ये मक्खन है। आगे देखते हैं इसको कैसा लगता है।